असलम आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वॉचिंग द स्पेशल अपिसोड ऑफ वर्ल्ड इन फोकस विद अहमद अली नकवी नाजीन कल और आज दो दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के हवाले से आज का दिन इसलिए बिकॉज आज ट्वेंटी थर्ड मार्च है विच इज़ बिंग सेलिब्रेट एज पाकिस्तान डे बट नाज्रीन अगर आप इस डे की थोड़ी हिस्ट्री में जाएँ तो ट्वेंटी थर्ड मार्च को एसोसिएट किया जाता है विद नाइनटीन फोटी रेजोल्यूशन जो पास तो ट्वेंटी फोर्थ मार्च को हुई थी बट uh, उस रेजोल्यूशन के पास होने के दो सालों के बाद इट वॉज डिसाइडेड दैट बाय द मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट दैट टाइम दैट ट्वेंटी थर्ड मार्च जिस दिन ये रेजोल्यूशन प्रजेंट की गई थी इट विल बी मार्क्ड एज द लाहौर रेजोल्यूशन डे जिसको बाद में पाकिस्तान डे के नाम से जाना जाता लेकिन नाजीन पाकिस्तान जब बन गया तो उसके बाद चूंकि पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वी हैव टू फ्रेम आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज टू बी फ्रेम बाई द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान और हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का है इट वॉज़ एनफोर्सड ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तो इट वॉज़ डिसाइडेड के ट्वेंटी थर्ड मार्च को एज़ रिपब्लिक डे मनाया जाएगा और हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के इनिशियल दो साल थे नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के बाद वो रिपब्लिक डे के तौर तो पर मनाए जाते रहे बिकॉज वी फ्रेम्ड आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक एंड वी एंडेड आर स्टेटस एज अ डोमिनियन लेकिन जब माशाल्लाह लगता है अक्टूबर में बाई जनरल ऐब खान और कॉन्स्टिट्यूशन को एप्रोगेट कर दिया जाता है तो सिंस दैन जनरलूब खान डिसाइडेड दैट ट्वेंटी थर्ड मार्च विल नॉट बी सेटेड एजबलिके इन स्टैट इट इज़ टू बी सेलिब्रेटेड एज पाकिस्तान डे एसोसिएटेड विद दाइनटीन फोटी लाहौर रेजोल्यूशन रदन विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन और आज हम उसी जनरल ऐब खान की ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इस डे को रिपब्लिक डे के बजाय हम इसे पाकिस्तान डे मनाते हैं ऐसा नहीं है कि ट्वेंटी थर्ड मार्च जो है वो पाकिस्तान डे नहीं है इट इज़ पाकिस्तान डे बिकॉज इट द लाहौरटेड ऑन द सेम डे एंड वी सेलिब्रेटेड इट बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान बट इट इज़ आल्सो रिपब्लिक डे और इस फैक्ट के बारे में शायद बहुत से कम लोग जो है वो जानते हैं दूसरा ये दिन इसलिए इम्पॉर्ट है नाजरीन कल का दिन इसलिए इम्पॉर्न था बिकॉज कल के दिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अनाउंस किया दैट जो पंजाब के एलेक्शन होने थे पंजाब की प्रोविशल असम्बली के इलेक्शन होने थे उन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया अंटिल अक्टूबर 8, 2023। प्रीवियसली दे वर प्रीवियसली सपोज टू बी हेल्ड ऑन अप्रैल 30, 2023। रमजान के फ़ौर बाद ईद के फौर बाद ये इलेक्शन होने थे नाजीन ऑबियसली इसका बैकग्राउंड ये था कि जो जो गवर्नमेंट थी पी टी आई यहाँ पे पंजाब के अंदर कोलेक्शन गवर्नमेंट थी पी के साथ वो असम्बली को डिजॉल्व किया गया के पी की असम्बली को भी डिजॉल्व किया गया जनवरी 2023 के अंदर मकसद ये था इमरान खान साहब का कि वैन दीज असम्बलीज़ विल बी डिज़ोव तो एक फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो नेशनल असम्बली को भी डिजो करें और अर्ली जो है वो इलेक्शन पर चले जाएँ आल दो अर्ली इलेक्शन पे तो फेडरल गवर्मेंट नहीं गई लेकिन हमने देखा कि उसके बाद एक इंटरम गर्वमेंट बनी और एक कोलेशन जो, गवर्नमेंट जो है पीडीएम की, दे स्टार्टेड डिस्कशन के पंजाब असम्बली के इलेक्शन जो है वो डिले होने चाहिए ताकि पूरे मुल्क के जो इलेक्शन हैं वो एक साथ होने चाहिए आल दो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है बट दे स्टार्टेड प्रोपोजिंग दिस आइडिया फ्लोटिंग दिस आइडिया दैट दरल इलेक्शन विल बिकम कंट्रोवर्शल अगर ये सारे इलेक्शन इकट्ठे ना हो और उसकी बहुत सी वजह है उनमें से एक बड़ी वजह जो है वो इलेक्शंस के अंदर आ, अगर जनरल एक्शन होते हैं और उस वक्त तक पंजाब के अंदर एक नई गवर्नमेंट बैठी होती है तो पंजाब के अंदर पार्टीजन गवर्नमेंट होगी तो उस गवर्नमेंट के अंडर जब जनरल एक्शन होंगे तो वो क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे उसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम भी लग सकता लेकिन नाजीन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉयरमेंट ये है कि अगर असम्बली डिजॉल्व हो जाएगी प्रोविशनल असम्बली की या कोई भी नेशनल असम्बली डिजॉल्व होती है तो विद इन नाइन्टी डेज़ इलेक्शन होंगे नेशनल असम्बली के हवाले से तो फिर कंस्टेशन में एक प्रोविजन मौजूद है जिसके ज़रिए से वो इलेक्शंस के हवाले से बात की जा सकती है इट इज़ डिबेटेबल बट प्रोवेंशल असम्बली की जो इलेक्शंस हैं नाइन्टी डेज़ के होना ऑलमोस्ट ऑल लीगल एक्सपर्ट्स आर यूनानिमस कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है आल दो कुछ जो पीडीएम के लॉयर्स हैं लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका आर्गमेंट है नाइन्टी डेज़ के अंदर होना जरूरी है बट अगर नहीं होते तो क्या होगा दिस इज़ वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट बट ऑबियसली नाजरीन समथिंग इज़ बेस्ड ऑन ऑबियस फैक्ट्स एंड दैट इज़ इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खैर नाइन्टी डेज़ के इलेक्शन होने थे बट uh, हमने देखा कि उसके हवाले से गवर्नर्स जो थे uh, दोनों सूबों के हवाले से या इलेक्शन कमीशन था दे वर रिलेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन ऑन दैट एंड देन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वर्डिक्ट पास हुई जो थ्री uh, टू से स्प्लिट वर्डिक थी और उस वर्डिक में यह कहा गया था कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं स्पेशली इलेक्शन कमीशन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द डेट ऑन पंजाब इलेक्शंस और जो पंजाब के जो इलेक्शन होंगे उनकी डेट देंगे बट वो जो नाइन्टी डेज की लिमिट है इट विल नॉट बी क्रॉस्ड इट शुड नॉट क्रॉस विद मिनिमम बेयरस्ट ऑफ एबरेशन एक माइनर सी एक्सटेंशन हो सकती है नाइन्टी डेज के बाद बट इट शुड बी लिमिटेड टू वेरी फ्यू डेज और उसी कॉन्टेक्स में देखा कि इलेक्शन कमीशन ने इनिशियली इनिशियल initial, बेस पे अप्रैल थर्टी की डेट दी लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद जब अरेंजमेंट्स की बारी आई उन्होंने आर ओ से अपॉइंट कर दिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिसके हवाले से डिसीजन हो गया लेकिन विद द इनपुट फ्राम डिफरेंट गवर्नमेंटल एजेंसीज जो पंजाब की हैं और फेडरल लेवल पर हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं डिफेंस का डिपार्टमेंट है मिलिट्री है लॉ मिनिस्ट्री है इंटीरियर मिनिस्ट्री है इन सब से कंसल्टेशन के बाद जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू होल्ड इलेक्शन बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग फ्राम गवर्नमेंट साइड अब नाजरीन ये जो इलेक्शन डिले की बात की गई इसको पी जो है वो कंडेम कर चुकी है दे हैव आल्सो गिवन द हिंट कि वो इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ऑल द लॉयर्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स एंड पोलिटिकल एक्सपर्ट्स आर यूनानिमस दैट दिस डिसीजन इज लाइकली कुछ तो इसको क्लियर ब्लैट एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कुछ कहते हैं कि डेफिनेटली इट विल लैंड इन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स इंटरप्रटेशन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लीगल बैटल जो है वो शुरू होगी दैट्स अ हाईली लाइकली थिंग कल जब ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर रहा था तो उसी वक्त पार्लियामेंट की जॉइंट सटिंग भी हो रही थी और उसके अंदर भी कुछ इसी किस्म की डिमांड की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इलेक्शन हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई इलेक्शन कमीशन को कहा गया दैट इलेक्शन आर नॉट पॉसिबल और इकट्ठे इलेक्शंस करवाए जाएँ लेटर ऑन अब नाजीन जो अक्टूबर एट की जो डेट की दी गई इस डेट की वजह से क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है इलेक्शन की पोस्टमोन पंजाब का इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे इम्पैक्ट्स क्या होंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे इकोनमी पे सोसाइटी पे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस पर ज़रा बात करते हैं वन बाई वन तो नाजीन सबसे पहला इम्पैक्ट की जो हम बात करेंगे वो तो ऑबियस है दैट इज़ दी प्रोटेक्टेड लीगल बटल्स ऑब्वियसली नाजरीन ये इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है इट uh, इज़ सामने तौर तो पर देखा जाए जाहिर तौर तो पर देखा जाए तो इट सीम्स इन कंट्रास्ट टू एंड इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द ऑफ़ द डिसम कोर्ट गिवन अलियर ऑन बहुत से लीगल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये वायलेशन है दोनों 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 डिसीजन की कॉन्स्टिट्यूशन की भी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की भी

दूसरा चैलेंज जो है वो उसकी मेरिट के ऊपर होगा क्या 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन जो है उसको डिले किया जा सकता है अर्ली सुप्रीम कोर्ट वर्डिक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता लेट्स सी दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है बट एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो देखने के काबिल होगा का नाजी हुआ ये होगा कि ये हिरिंग सुनेगा कौन अगर तो वही बेंच सुनता है जो पहले सुन रहा था तो फिर अगेन एक कंट्रोवर्सी बनेगी बिकॉज हमने देखा कि जुडिशियल फ्रंट पे भी हमें कहीं ना कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आते हैं दो तरह के डिफरेंस ओपिनियन थे एक तो उस वर्ल्ड में ओपिनियन था थ्री टू का डिवीजन था फिर उससे पहले हमने देखा कि दो जजेज ने अपने आप को साइड पर कर दिया बिकॉज ऑफ सर्टन इशूज़ और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उस वक्त भी गवर्नमेंट की डिमांड थी कि एक फुल बेंच बनाया जाए जो ये केस सुने नाइन्टी डेज़ के इलेक्शन के हवाले से पंजाब में ऐसा नहीं हुआ अब लार्जर बेंच सुनेगा फुल कोर्ट सुनेगा कौन से जजेस के ऊपर ये रिक्वेस्ट की जाएगी या उनसे कहा जाएगा कि वो इस बेंच का हिस्सा ना बने कौन से मेंबर्स जो हैं वो ख़ुद उस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लीगल बटल जो है वो हमें अगले कुछ दिनों में और हफ्तों में देखने को मिलेगी दूसरा पॉसिबल इम्पैक्ट नाजरीन अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ ये सिर्फ लीगल बैटल नहीं होगी बल्कि एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी क्रिएट करेगा पाकिस्तान के अंदर बिकॉज हमने देखा कि ऑलरेडी स्प्लिट है लीगल फिटर्निटी ऑल दो प्रीडामिनट व्यू यही है कि इट्स अ वायलेशन और नाइन्टी डेज़ के अंदर करवाना लाजमी है बट इवन दोज हु प्रोपोज दिस आइडिया कि येस नाइन्टी डेज़ के अंदर yes, इलेक्शन होना जरूरी है दे डोंट डिनाई दैट उस नाइन्टी डेज़ के अंदर इलेक्शन होने से पंजाब के जनरल इलेक्शन पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और फिर उस वक्त जब जनरल एक्शन होंगे फिर कंट्रोवर्सीज दोबारा इमर्ज होंगी तो जो स्टेबिलिटी अल्टीमेट एम है इन इलेक्शन का वो शायद अचीव ना हो सके एटलीस्ट नॉट अनटिल जनरल एलेक्शन आर हेल्ड इन पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो एक्सपेंड uh, करेगा प्रोलॉन्ग होगा और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायल्लेशन की बात की जाती है और बहुत से लोग इसको इस हद तक जाते हैं कहते हैं कि आर्टिकल सिक्स जो है वो इम्पोज़ किया जाएगा हमने देखा कि पीटीआई uh, के बहुत से लीडर्स भी ये बात कर चुके हों तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इंटरप्रटेशन क्राइसिस जो है वो रहेगा जिसकी फिर अल्टीमेटली जिसमें हमने कहा जो तशरी है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास जुडिशरी के पास जो है वो जाना पड़ेगा एक और नाजरीन जो इंपैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन हवाले से ही, वो ये है कि बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इंटरप्रटेशन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर की डेट दे के, जो कि किऑलमोस्ट टेन मंथ्स डिले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है टोटली नाइन्टी डेज का टाइम था बट नाइन्टी डेज के भी आगे जो है वो सिक्स मंथ्स डिले करके एक क्राइसिस ये बन गया कि क्लियर वायलेशन ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई और हमने इस देखा कि पिछले साल जब पी की गवर्नमेंट थी और उसके अलावा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर थे आ, कासिम सूरी साहब उनकी वर्डिक को कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसको भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करा देंगे अगर ऐसा होता है नाजरीन तो ये बहुत टॉप लेवल पे एक साल के अंदर दो सीरियस वायलेशन ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएंगी और उसके कॉन्सिक्वेंस ये होंगे कि फ्यूचर में अगर अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन इफ़ दे गो अनपनिश्ड तो फ्यूचर में एक रास्ता खोल देंगी कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन आएगी तो बहुत सारे इदारे उनसे इनकार करके तो वो बाद में बेशक वो अंडू भी हो जाए बट एट द डैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मामला को डिले ज़रूर कर सकते हैं विच मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूल क्राइसिस है इट वुड बिकम परमानेंट और जो सेंक्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैज़ बीन चैलेंज्ड

एक और इम्पैक्ट नाजरीन जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा विक्टम जो है वो है वो है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान दिस डिसीजन टू शाई अवे फ्राम इलेक्शंस और आवाम को उनका जो राइट right है टू डिसाइड अबाउट देयर गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट right देता है जो फंडामेंटल राइट right भी है उनका उससे डिनई करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है नाजरीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट एन इलेक्टेड बॉडी इट इज एन स्टेट इंस्टीट्यूशन इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इट इज नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन Although democratically elected people select them, but the person who is in charge of election commission, the chief election commissioner and his members, they are not the elected people. So the non elected members are deciding. द रट ऑफ पीपल कि वो कब इलेक्शन uh, के लिए वोट डाल सकते हैं कब इलेक्शन लड़ सकते हैं कब नहीं लड़ सकते इसका मतलब हुआ के के ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर यह राइट कि वो इलेक्शन कब होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन तय नहीं करेगा अवाम तय नहीं करेगी बल्कि नॉन अलेक्टेड जो इंस्टीट्यूशन हैं जिनको सेलेक्टेड भी कहा जा सकता है दे विल बी द वंस हु विल बी डिसाइडिंग ऑन डेट तो so, कह सकते हैं हम लोग कि प्रीवियसली जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट था पाकिस्तान में उसका ख़तरा जहाँ पे मिलिट्री को कहा जाता था कि मिलिट्री इज़ नॉन डेमोक्रेटिक तो वहाँ पे ये डिसीजन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक उसी कंट्रीब्यूशन के अंदर उसी लिस्ट के अंदर शामिल हो गया उन इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में शामिल हो गया विच इज़ एक्चुअली वीकनिंग द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पीपल विच इज़ गारंटीड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडिड टू दैट पॉइंट इज़ कि पी की गवर्नमेंट इस डिसीजन को एंडोर्स करके और इस तरह के डिसीजन की डिमांड करके भी उसी सिस्टम का हिस्सा बनेगी अब पार्लियामेंट वो डिमांड कर रही है एक जो कल हमने देखा जॉइंट शटिंग हुई और दोबारा कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे जॉइंट शटिंग होगी तो ये डिमांड करके कि इलेक्शन पोस्टपोज होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होनी चाहिए दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वीकिंग सो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी वॉज़ हिस्टोरिकली एक्स, बींग एक्सप्लोडेड फ्रॉम आउटसाइड दिस टाइम डेमोक्रेसी इज़ बींग इम्प्लोडेड फ्रॉम इनसाइड सो so, पार्लियामेंट ही डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो एक कहीं ना कहीं पर एक शब खून मारने की कोशिश कर रही है नाजीन एक और बड़ा जो इम्पैक्ट है इस इस डिसीजन के वाले से वो है पाकिस्तान के अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो वो पाकिस्तान के अंदर एक पोलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो उसको एक्सप्लेन एक्सप्लें एक्सपेंड करेगी हमने देखा कि कुछ दिन पहले हमने कुछ साइंस देखे पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान पीडीएम की तरफ से पैंसिल की तरफ से ऑफर की गई टॉक्स के वाले से Uh, उसके बाद हमने कहा कि पी टी आई के इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई ही इज़ विलिंग टू फॉर नेशनल इंटरेस्ट इज़ विलिंग टू टॉक हमने कल देखा कि सिविल सोसाइटी के, के नुमाइंदों से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई अल्टीमेटली कन्विस्ड हिम टू टॉक विद दी पी द एम गवर्नमेंट ताकि ये एक पोलिटिकल क्राइसिस को खत्म किया जा सके लेकिन इस डिसीजन के बाद जो पोलिटिकल पोलइजेशन है पोलिटिकल पार्टीज़ के दरम्यान में और पब्लिक डोमेन में वो सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी और कोई uh, जो एंड इन साइट टू दिस पुलटिकल काइस जो है वो हमें मजीद दूर होता हुआ नजर आएगा सो so, एक आई uh, थिंक मेरी पर्सनल राय नाजीन ये है कि इस डिसीजन के बाद शायद ये भी पॉसिबल है कि जो पोलिटिकल कंप्रोमाइज़ है दोनों ग्रुप्स के दरमियान में वो एक इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल नाउ एक और इम्पैक्ट नाजीन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है विच इज़ अबाउट द रोल ऑफ इस्टिशमेंट हमने देखा कि पिछले एक साल से इस्टेमेंट हैज़ बीन मेंटेनिंग पब्लिकली दैट इट इज़ न्यूट्रल इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट इवाल्व्ड इन द पॉलिटिकल मैटर्स ये जो सियासी मामला हैं ये सियासी पार्टियां बस में तय करें लेकिन नाजीन पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि हमारे सियासी मामला सिर्फ सियासी नहीं होते दे आर कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी पॉलिसीज दे आर कनेक्टेड विद द इकनॉमिक इशूज़ दे आर कनेक्टेड विद द नेशनल इंटीग्रेशन एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल तो इस दफ़ा मिल्टी इस्टेब्लिशमेंट वन सेट इज़ न्यूट्रल एंड इज़ नॉट गोइंग टू इंटरफेर इन दी पोटिकल अफेयर्स हमने देखा कि उसकी नॉन इंटरफेरेंस की वजह से अगर उस प्लेच को मान भी लिया जाए उस नॉन इंटरफेरेंस की वजह से हमने देखा कि पोलिकल पार्टीज थी उनके अंदर हमें वो मेच्योरिटी डेवलप होती नजर नहीं आई दे आर अनएबल टू सॉल्व दिस लीगल एंड पोलिटिकल मैटर बाय दैम बहुत सारी पार्टीज़ हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि रोल प्ले कर सकते थे बट दे सीम टू बी हैव फेल्ड इन ब्रिजिंग द गैप ना सिर्फ कि वो गैप ब्रिज करने में नाकाम हुए हैं बल्कि वह गैप कम करने में भी कामयाब नहीं हुए और हमें कोई ऐसा साइन भी नजर नहीं आ रहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट uh, है पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है ये सॉल्व होता हुआ नजर आएगा सो इन द एबसेंस ऑफ मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट्स रोल एज एन आर्बिट्रेटर क्या सिविलियंस इस काबिल हैं कि वो मुल्क के मामला को चला सकें एटलीस्ट ये जो डिसीजन था और ये जो सिचुएशन है वो ये शो करती है कि मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट अल्टीमेटली इज़ द ओनली फैक्टर दैट कैन प्ले एन डिसाइसिव रोल इन सॉल्विंग पोलिटिकल अफेयर्स बट हिस्टोरिकली जब भी मिलिट्री ब्रोकर डील्स हुई क्या वो सस्टेनेबल रहीं ऐसा भी नहीं हुआ दे डिड प्रोवाइड ए शॉर्ट टर्म रिलीफ बट नॉट द लॉन्ग टर्म रिलीफ तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये जो डिसीजन था दिस वुड सीरियसली चैलेंज द मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स न्यूट्रलिटी रोल और हमने देखा कि इस डिसीजन से एक दिन पहले मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की मीटिंग भी हुई मिलिट्री uh, लीडरशिप की मीटिंग्स हुई पोलिटिकल uh, गवर्नमेंट के साथ और उससे पहले हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जब सिक्योरिटी की बात की तो मिलिट्री

तो क्या ये डिसीजन की न्यूट्रलिटी को शो करता है या ये न्यूट्रलिटी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि पोलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है दिस इज डिबेटेड इन द मीडिया इन द कमिंग डेज एंड वीक्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाजीन इंपैक्ट है वह पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर ऑब्वियसली जितना ये कॉन्फ्लिक्ट लीगल बैटल्स पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे नाजीन उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस पे आएगा हमने देखा कि आई एम एफ इज स्टिल रिलेक्टेंट टू गो फॉर डील और उसी कॉन्टेक्स में ये जो ऑयल सब्सिडी की बात की जा रही है दैट हैज़ फर्दर कंप्लीकेटेड द टॉक्स विद द आई एम एफ पाकिस्तान की जो एक बजट इस अपकमिंग जून के बाद कह रहे हैं कि एक और हमेशा बेल आउट पैकेज पे जाना पड़े पिछला बेलआउट बेल आउट पैकेज कम्प्लीट नहीं होगा और हमें अगला बेल आउट पैकेज चाहिए होगा सो पाकिस्तान के लिए जो इन इकनॉमिक सेंस है ये एक अच्छा उम्र नहीं है अगर इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे एक और इम्पैक्ट नाजीन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है जुडिशरी के रोल के हवाले से नाजीन जो अक्टूबर एट की डेट दी गई अक्टूबर क्या वो महीना है जब चीफ जस्टिस का मुत्यादा बंदयाल रिटायर हो चुके होंगे और उनको रिप्लेस कर चुके होंगे जस्टिस फाइज ईसा जस्टिस फाइज ईसा जो है आ, उनकी एक आ, एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है पी के साथ इनफैक्ट पी का कॉन्फ्लिक्ट रहा है जस्टिस फायद ईसा के साथ और वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो उन्होंने देखा कि वो एक फैज़ाबाद धरने के डिसीजन के वाले से स्टार्ट हुआ और उसके बाद हमने देखा कि उनके रेफरेंस गुलाव रेफरेंस जो है वो फाइल किया गया पी टी की गवर्मेंट की तरफ से और बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई गई सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से या पी टी के लीडरशिप की तरफ से जस्टिस फाइजा के ख़िलाफ़ और उस कॉन्टेक्ट में ये समझा जाता है आम तौर तो पर कि जस्टिस फाइजा डज़ नॉट हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पी अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं और जो अगर उस वक्त आ जो हैं वो जुडिशरी से लिए जाते हैं या बहुत सारे लीगल केसेस पाकिस्तान में इलेक्शन के जुडिशरी में जाते हैं तो क्या वो जो डिसीजनस हैं सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अंडर जस्टिस फाइजा वो किस हद तक पी के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं उन डिसीजंस की ऑब्जेक्टिविटी कितनी हद तक एक्सेप्टेबल होती है अक्रॉस द बोर्ड वो भी एक मेजर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा और कहा जाता है इलेक्शन कमीशन का ये डिसीजन अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट वो करंट जुडिश्री के अंदर जो है वो शायद इलेक्शन करवाने के लिए ना पी की गवर्नमेंट तैयार है ना शायद इस्टेब्लिशमेंट तैयार है ना ही शायद इलेक्शन कमीशन तैयार है बिकॉज दे थिंक दैट दिस करंट जुडिशरी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पी टी आई जिसका इजहार वो पिछले दिनों में पब्लिकली कर भी चुके हैं तो नाजरीन अगर सबक करूँ सारी डिस्कशन को तो नाइनटीन एटीज़ के अंदर जनरल जिया उलख साहब जो थे उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था उन्होंने आइन के बारे में कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इट इज नथिंग बट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विच एक्चुअली मीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता असल चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है जो लीडर्स हैं हाउ दे टेक डिसीजन नाजरीन जो ई का डिसीजन था और उससे पहले हमने देखा कि जो डिप्टी स्पीकर कासम सीई साहब का डिसीजन था ये डिसीजन जो हैं सिविलियन लीडरशिप के जो डिसीजन थे ये उसी जनरल जेओल हक की लेगेसी को शो करते हैं बिकॉज नॉट ओनली फॉर दैट टाइम्स मिलिट्री लीडरशिप बट इवन सम सिविलियन लीडर्स सम पोलिटिकल पार्टीज़ सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दे डू नॉट रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज दी एज अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट

आज भी मौजूद है विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इवन इन द फ्यूचर विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सेक्रेट एंटिटी नॉट जस्ट फाये वन कॉन्स्टिट्यूशन वन बॉडी और वन पोलिटिकल पार्टी अक्रॉस द बोर्ड हम देखा लास्ट टाइम हमने पीटीआई की तरफ से देखा कॉन्स्टिट्यूट को डिसरिगार्ड किया गया अब हम पी डी एम की तरफ से देख रहे हैं डिसरिगार्ड को देख रहे हैं सो so, सराजी इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर हमारी पोलिटिकल लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी को ग्रो करने के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या मिलिट्री को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होना काफ़ी है क्या सिविलियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा अनटिल अनलेस दे डू तो नाजीन हम जानते हैं कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इट पहले पी की गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती थी कि पी टी आई वायलेट करी है कश्मीर को फॉर देयर इंटरेस्ट आज पी वही क्लेम कर रही है फ्यूचर में इफ़ पी टी कम्स टू पावर पी टी विल डू द सेम एंड दे विल क्लेम दे विल कंप्लेन कि पी जो है वो कश्मीर को वायलेट कर रही है इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में नाजीन फ़ायदा सिर्फ एक एलिमेंट को होगा और वो है नॉन डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी थैंक यू सो मच नाजीन फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम कैन यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अल्लाह हाफिज़